नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम अपडेट्स के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकर आए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 6 विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सुशील कुमार मोदी ने कहा, हारी हुई पार्टियां ईवीएम पर उठा रही हैं सवाल। भाजपा नेता मंगल पांडे ने लालू प्रसाद की बेनामी संपत्ति को जब्त करने की सीएम नीतीश कुमार से मांग। प्रदेश में नीरा उद्योग के विकास को लेकर नीरा प्रोजेक्ट पर हुआ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। नालंदा जिले के कोसुक गांव के पास झील खुदाई के दौरान मिली प्राचीन काल की अश्वधातु की मूर्ति करीब 1 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होने का कर रहे हैं दावा। और कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोशी के बाद हुआ सदर अस्पताल में भर्ती, परिजनों ने शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। एक बार फिर सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2000 में राबड़ी के सीएम रहते हुए भी लालू परिवार ने खूब संपत्ति बनाई थी। वही उन्होंने 6 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर कहा कि हारी हुई पार्टियां अब ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं। देखिए, अगर आप प्रेमचंद गुप्ता, ओम प्रकाश कत्याल और लालू परिवार के जो मेंबर्स हैं, इन सभी लोगों की कंपनियों को जोड़ दें तो 30 से कम कंपनियां नहीं होंगी। और अधिकांश कंपनियों का जो पता है वो दो ही तीन पता, D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी फलाना, ये दो ही तीन पतों पर। तो आखिर तीन ही पते पर 30 से ज़्यादा कंपनियां कैसे काम कर रही हैं? और देखिए, ये सारी कंपनियां दिखावे के लिए हैं। उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी के सभी प्रवक्ताओं के साथ आवास पर एक बैठक कर उनको जमकर क्लास लगाई है। फटकार लेते हुए उन्होंने प्रवक्ताओं को मीडिया में विपक्ष के आरोपों का जवाब तैयारी के साथ देने की नसीहत भी दी है। इस बैठक में मुख्य रूप से मृत्युंजय तिवारी, शक्ति सिंह सहित कई राजद प्रवक्ता मौजूद थे। नहीं नहीं, सुशील मोदी जी को डिफेंड करने का सवाल था। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी बुलाए थे हम लोगों का, जो प्रशिक्षण शिविर राजगीर में होने वाला है उसको तैयारी को लेकर के पूरा वहाँ कैसे मीडिया पूरा राष्ट्र स्तर पर भोजन भात का तैयारी है, सारा चीजों की तैयारी के लिए। वही भाजपा नेता मंगल पांडे ने बेनामी संपत्ति पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्काल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की संपत्ति को जब्त करे। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार की कथनी और करनी में काफी अंतर है, इसलिए वह लालू प्रसाद की बेनामी संपत्ति पर अब तक खामोश है। मामला अब अरबों रुपए की संपत्ति तक पहुंच गया। कल ही इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर यह समाचार आया कि लालू प्रसाद जी के परिवार की 8-9 कंपनियां हैं, जिनमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के साथ साथ एमडी हैं, और गलत तरीके से कंपनियों को बना के उन्होंने संपत्ति पर कब्जा करने का काम किया। पटना मेडिकल कॉलेज में भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस मौके पर 100 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किए। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का 126वीं जन्म शताब्दी था, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 13 फुट किया ब्लड डोनेशन। और ब्लड डोनेशन का ट्रिपल पर्पस है। एक पर्पस तो है कि कुछ गरीब को ब्लड मिल जाएगा, दूसरा पर्पस है कि डॉक्टर के द्वारा देने पर एक जनता में एक संदेश जाती है कि डॉक्टर दे रहा है, इसका मतलब कि ब्लड देने में कोई नुकसान नहीं है, दिया जा सकता है। और तीसरा हुआ कि एक सब लोग यहाँ मिले, एक साथ एक भावना बना कि चलो समाज के प्रति मेरा जो ऋण है उसको चुकाए, डॉक्टर के बीच में ये फैला। राजधानी पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी समेत नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार के हाथों द्वीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता मंगल पांडे ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए मसीहा के समान थे, जिन्होंने दलितों के जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जो उनकी सोच थी, उस विचार और सोच के अनुसार आज समाज का निर्माण, समाज के जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों को शिक्षा मिली। अम्बेडकर जी ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया।
प्रदेश में नीरा उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उद्योग विभाग की ओर से नीरा प्रोजेक्ट पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि नीरा उत्पादन के लिए सबसे पहले जीविका के लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, अब यही लोग दूसरों को भी प्रशिक्षित करेंगे। प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने आगे कहा कि नीरा को कम्फर्ट के माध्यम से बाजार में बेचा जाएगा और जीविका की महिलाओं का हम लोगों ने पूरे राज्य में ट्रेनिंग कराया और उनके माध्यम से उनको जानकारी दी कि किस प्रकार जो नीरा है उसका प्रोडक्शन हो और उससे गुड़ और उसको कैसे बेचा जाए। बिहार सरकार ने एक रूल बनाया है जिसमें नीरा उतारने के लिए पेड़ का लाइसेंस लेना है, उसका भी ट्रेनिंग है कि कैसे लाइसेंस प्राप्त करना है, कैसे लाइसेंस कौन देता है, ये उत्पाद विभाग देता है और किस और जो लाइसेंसी सब होंगे उन सबको फिर पुनः हम लोग फिर से एक बार फिर ट्रेनिंग। प्रदेश सरकार ने बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से आवंटित होने वाली संपदाओं पर लीज की जगह मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से वर्तमान बाजार दर की 10% राशि का भुगतान करके लोगों को बोर्ड द्वारा आवंटित की जाने वाली संपदा पर मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल पढ़ाई पूरी करने के बाद चिकित्सकों को कम से कम 3 साल तक सरकार में रहकर अपनी सेवा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। पटना जंक्शन की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को जीआरपी की ओर से बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द पटना जंक्शन पर आने और जाने वाले रेल यात्रियों को अब लगेज स्कैनर से होकर गुजरना होगा। बैठक में डीएसपी हरीश शर्मा, जीआरपी अधीक्षक प्रमोद कुमार समेत कई बड़े अधिकारी उपस्थित थे। परंतु बार बार कंप्लेंट्स मिल रही थी कि ठीक से जांच नहीं हो पा रही और कुछ लगेज स्कैनर की कमी भी हमारे पास है, कुछ फोर्स की भी कमी थी। तो इसको ठीक करने के लिए कि कैसे हम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा सकें, क्योंकि पहले भी यहां पर पटना जंक्शन में एक बार बम विस्फोट हो चुका है, तो इसीलिए आज मीटिंग बुलाई गई जिसमें रेलवे के अधिकारियों को भी बुलाया गया। और तब हमने ये निर्णय लिया है कि जितनी भी लोगों की एंट्री होगी वो चेकिंग से ही होगी, लगेज स्कैनर हर जगह रहेगा। प्रदेश में गुटखा पर प्रतिबंध हटाने के खिलाफ FSSAI की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार सहित सभी विपक्षों को नोटिस जारी किया है। 19 जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने गुटखा से प्रतिबंध हटाया था, लेकिन बिहार सरकार ने पुनः प्रदेश में गुटखा और जर्दा मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता दें कि इसे देखते हुए FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में प्रतिबंध हटाने से संबंधित याचिका दायर कर रखी थी। रिटायर्ड कर्नल अक्षय कुमार यादव के द्वारा संचालित कर्नल अकादमी के शिक्षकों के द्वारा 10वीं कक्षा के अंकित कुमार की बेरहमी से पिटाई की गई है। घटना कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। पीड़ित अंकित कुमार के अनुसार जब अपने दोस्तों से पेन लेकर आ रहा था तो शिक्षक सुभाष के द्वारा कॉलर पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई जिससे वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जब पीड़ित के पिता स्कूल कर्मियों से बात करने पहुंचे उसी वक्त मीडिया कर्मी भी वहां आ गए। मीडिया कर्मी को देखते ही स्कूल प्रशासन भड़क उठा और मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। क्लास खत्म हुआ था, गए थे पेन लेने के लिए दोस्त के पास। क्लास से निकले पेन लेके दोस्त सर रोक लिए हमको, रोक के हमको पूछे कहाँ जा रहा है, बोले सर पेन लेने आए थे। वो तो झूठ बोलता है, उसे हमको पकड़ पकड़ के मारने लगे। स्कूल में इसको मारा है, लाके यहाँ मैंने घर पर सर ला कर छोड़ दिए, कुछ बोले नहीं हमको। हम बच्चा को देखने लगे सर तब तक भाग गए, गाड़ी लेके आया। जब पहले से इंजोर था उसके ब्रेन में, क्या चल रहा क्या मारा बच्चा ही बताया, बेहस हो गया। स्कूल प्रशासन घर पर जाकर छोड़ दिया, आए तो मतलब उधर बेगूसराय में मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों का विरोध करने पहुंचे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उमेश सिंह की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही शिक्षकों के सभी संघों के लोग, सैकड़ों शिक्षक नगर थाना पहुंच हंगामा करने लगे। गौरतलब है कि डीएम के आदेश के बाद गुरुवार को कुछ शिक्षक कॉपी जांच करने पहुंचे थे, जिसका विरोध करने संघ के दर्जनों शिक्षक जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उमेश सिंह को गिरफ्तार कर थाने ले गई। इसी बात से नाराज शिक्षकों ने थाने पर पहुंचकर सरकार और बेगूसराय पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन सभी का साफ तौर पर कहना था कि किसी भी कीमत पर बिना मांग पूरी हुए कोई भी संघ के शिक्षक कॉपी जांच नहीं करेंगे। रणनीति है तो मूल्यांकन में असहयोग, शिक्षा सत्याग्रह, लेकिन यह सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है।
हमारे भाई उमेश जी को जबरदस्ती पकड़ के थाना में रखे हुए हैं। इसी के विरोध में हम लोग थाना में इकट्ठा है। इस जुल्मी सरकार और जुल्मी प्रशासन के खिलाफ हम लोग अब सड़कों पर उतरेंगे। हमारा शिक्षा सत्याग्रह कार्यक्रम और मूल्यांकन व सहयोग चलता रहे। वही नालंदा जिले के कोसुक गांव के पास पंचानी नदी में गुरुवार को एक बार फिर से झील खुदाई के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की अति प्राचीन कालीन अष्ट धातु की 2 फीट की देवी की प्रतिमा मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। नदी से प्राचीन काल की प्रतिमा मिलने की सूचना मिलते ही SP कुमार आशीष ने बिहार शरीफ SDO और दीपनगर थाना अध्यक्ष को गांव भेज प्रतिमा को बरामद करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही SDO और थाना अध्यक्ष गांव पहुंच प्रतिमा को अपने कब्जे में लेकर बिहार शरीफ संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया। इस दौरान SDO सुधीर कुमार ने कहा कि इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को भी भेज दी गई है और वह आकर इस मामले की खुद जांच करेंगे। हम नदी से लाए हैं, गाड़ी लाने के लिए गए थे। नदी से लाए हैं। कौन नदी से? क्या हो रहा है? पंचाना नदी से। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या काम हो रहा है? झील बन रहा है। हाँ, कोसुक नदी में। अच्छा, बालू लाने गया तब तो वही तो हुआ बरामद। कौन सी मूर्ति है? पता नहीं। पुराना मूर्ति है? हाँ, पुराना मूर्ति है। ये पंचानन नदी जो कौशुक में होके गुजर रही है ना, उसकी साफ़ सफाई हो रही है और वहाँ पर एक झील का निर्माण होने के क्रम में उसकी उराही का काम अभी चल रहा है। उसी क्रम में ये मूर्तियाँ वहाँ पाई गई थी, जिसमें कि लोगों ने सूचना दिया कि यहाँ पर मूर्ति पाई गई है, लोग मंदिर के पास इसको लाए हैं। तो हम वहाँ गए और SHO दीपनगर भी आए थे। काफ़ी उन्होंने मेहनत करके इसको वहाँ से, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। लास्ट दिनों हम लोगों ने देखा था कि जब काफ़ी लोग आ जाते हैं तो फिर उसमें धार्मिक भावना ले आते हैं कि ये मूर्तियाँ मंदिर की है, ये है, इस तरह से। लेकिन संजोग है कि आज उस तरह से कुछ हुआ नहीं, लोग समय रहते इसको हम लोग रिकवर करके ले आए। देखने में क्या प्रतीत होता है प्राचीन? देखिए, प्राचीन मूर्ति तो प्रतीत हो ही रही है, बट ये किस चीज़ से जुटा हुआ है और किनका है ये तो SI की टीम ही बता पाएगी। बात मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना इलाके के नरौली गांव में एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बालक को कुचल दिया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। शव की स्थिति देख स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। आक्रोशित लोग पूसा मार्ग जाम कर प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच BDO और थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो लाठी डंडे से लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में आधा दर्जन पुलिस कर्मी के साथ BDO को भी चोट लगी। SDO सुनील कुमार घटनास्थल पर पहुंच स्थिति को काबू करने में लग गए। मृतक सरकारी मुआवजा देने की घोषणा भी की है। आज एक बच्चे की एक्सीडेंट हो गई है एक ट्रक से, और रजवाड़ा डुमरी पंचायत का लड़का है, महादलित परिवार से आता है, और स्पॉट पर उसका मृत्यु हो गया है। काफी दिन तक सड़क जाम रहा, प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन के तरफ से अभी 20,000 रुपया मुआवजा के तौर पर मिला है और 3,000 रुपया कबीर अंतोष्टि का पंचायत से उपलब्ध कराया गया है, और ट्रक का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा उससे फिर जो लाभ होगा उसको मिलेगा, और महादलित परिवार को जो 1.5-2 लाख के आसपास सहायता मिलता है सरकार के द्वारा, SDO साहब और DSP साहब द्वारा कहा गया है। एक बड़ी खबर नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के निजाए गांव की है, जहां एक घर में रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। ग्रामीणों ने सभी झुलसे हुए लोगों को आनंद फानन में इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी को चिंताजनक हालत से बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिली रसोई गैस सिलेंडर को सेटिंग करने के बाद माचिस जलाते ही सिलेंडर में आग लग गई। घटना के बाद SDO सदर अस्पताल पहुंच झुलसे हुए लोगों का हालचाल जाना और सरकारी सुविधा मुहैया कराने की बात भी की। मैंने घर में होकर मैंने दुगो को बुला कर ले गए दूसरा घर वाला की, मैंने गैस मैंने चालू करके बता दा कैसे चालू होते, कल खरीदा के अले हल तो सिखा दा कैसे गैस चालू होते, तो दो आदमी सीखबे गेलो, अब 5 आदमी जल लो। हाँ तो बतावे के अब आग लहर रहो तो ऊपरे चढ़ लो तो कुल धनकर हको जरल हको बाल बच्चा बुढ़िया कन रह की होल तो देखो तो कैसे फट जी। 5 गो झुलसा आग जा लगले की जी? सिलेंडर से आग लग लिया कुछ। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने फुल व्यवसायी को हथियार के बल पर मारपीट कर 1 लाख रुपए लूट लिए। घटना OP के क्षत्री टोल के पास की है। बताया जा रहा है कि तेघड़ा बाजार निवासी फूल व्यवसायी रघुनाथ केजरीवाल बाइक से व्यवसाय के सिलसिले में TI की ओर गए थे। इसी दौरान क्षत्री टोल के पास बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने उनका पीछा कर हथियार के बल पर रोक लिया और डिक्की में रखा रुपयों से भरा बैग भी
लूट लिया। घायल व्यवसायी को तेघड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज उनका जारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहां पर एक आदमी मोटरसाइकिल लगाए हुए था, स्पीड कर लिए, बस वो भी निकला, गाड़ी पर बैठा, वो भी गाड़ी स्पीड कर लिया, उसके बाद निकला पिस्तौल, रोको गाड़ी नहीं तो गोली मार देंगे, रोको। उसके बाद जो है, जो दोनों आदमी जब पिस्तौल हम देखे, देख लिए पिस्तौल ऐसे लिए हुए, तो वहां पर क्या किया कि उसने गाड़ी के साइड में लगा दिया। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।